नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो वीडियो है वो हमारी पिछले वीडियो का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमने किस प्रकार से अपना जो इनक्यूबेटर है वो तैयार करा है, और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी थी कि ब्रीफली आपको एक एक स्टेप उसमें आपको समझा करके दिखा सकूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी और उसमें समझा होगा कि किस प्रकार से हमने अपने इनक्यूबेटर को बनाया है। और आज 2 दिन के बाद टाइम है कि हम अपने इनक्यूबेटर में एग्स लगाए, क्योंकि इन 2 दिन में मैंने इसकी टेस्टिंग करी है हर एक रीति से, क्योंकि टेम्परेचर सही मेंटेन रहे, साथ ह्यूमिडिटी को हमने किस तरह से कंट्रोल करना है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कोशिश करी है पिछले 2 दिन में। तो जैसे कि भी आप टेम्परेचर देख सकते हो 37.5 है, और इतने में जो बल्ब है हमारे वो ऑन हो गए हैं, और जैसे ही 37.7 होएगा तो उसमें जो कट आउट है वो लग जाएगा। तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। और इनक्यूबेटर के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन जैसे कि आज हमने एग्स अपने लगाने हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सीधे टॉपिक पर जाए। एग्स लगाने से पहले हमने इसको अच्छी रीति से सैनिटाइज़ कर लिया है, हालांकि उससे पहले भी हमने थर्माकोल के बॉक्स को 2-3 बार धोया है, क्योंकि ये फ़िश मार्केट से लिया गया था और फ़िश की इसमें से स्मेल आ रही थी, तो इसको हमने धो करके साफ़ करा है। लेकिन आज इसको हमने सैनिटाइज़ कर लिया है, इसके कवर को भी, मीन्स इसका जो ढक्कन है उसको भी, और साथ में इस बॉक्स को भी। उसके अलावा यदि आप अंदर देखेंगे तो जो हमारा ह्यूमिडिटी मीटर है वो लगा हुआ है, और उसमें भी जो शो हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जो हमारा थर्मोस्टेट शो कर रहा है और जो अंदर हमारा ह्यूमिडिटी मीटर लगा हुआ है उसमें हल्का सा फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि जो मेन है कटआउट्स हमारे वो हमारे इस थर्मोस्टेट से है, क्योंकि टेम्परेचर ये कंट्रोल कर रहा है और ये हर एक सेकंड्स का जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये शो करता है, और जो हमारा ह्यूमिडिटी मीटर है वो थोड़ा स्टे करके शो करता है, तो इस करके थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। बाकी अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो जैसे कि फर्स्ट 18 डेज़ में 50 to 60 या 50 to 55 वैसे बेस्ट माना जाता है कि इतना टेम्परेचर कम से कम सॉरी ह्यूमिडिटी आपके इनक्यूबेटर में होनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें 53% जो ह्यूमिडिटी है वो है, और इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये करा है कि पहले जो हमारे बोल था यानी पानी है जिस कटोरे में, वो पहले हमने नीचे ही रखा हुआ था, लेकिन फिर उसको हमने क्योंकि उससे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा रेज़ नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके नीचे एक और एक जो बोल है वो लगा करके इसकी हाइट बढ़ाई। तो अब जा करके जो इसकी ह्यूमिडिटी है वो लगभग प्रॉपर है, क्योंकि इसको भी मैंने कल मतलब अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है इसकी ह्यूमिडिटी को अलग अलग तरीके से रीड करते हुए, तो इस पोजीशन में ये बेस्ट आ रहा है, तो इस करके मैंने यही पोजीशन रखी। उसके अलावा आप देखेंगे कि अंदर जो है एक नेट मैंने बिछा रखा है, सबसे नीचे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के ऊपर एक नेट है जो कि मैंने अपने असील केज में भी यूज़ करा है। तो ये नेट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके ऊपर जब मैं अंडे लगाऊंगा और अंडों को जब मैं रोटेट करूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं एक अंडे को रोटेट करूं तो दूसरे अंडे को जब रोटेट करूं तो पिछला अंडा जो है वो दोबारा से अपने सेम पुराने पोजीशन में आ जाए। तो इसमें ये जाली लगाने से एक बेनिफिट ये होगा कि हमें एक बेस मिल रहा है, क्योंकि जिस साइड पे हम एग्स को लगाएंगे फिर उसके नेक्स्ट टाइम पे जब हम उसको पलटते हैं तो वो अपने नए पोजीशन पर रुका रहेगा, बजाय इसके कि अगर हम दूध उसके अगल बगल का जो एग्स है उसको हिलाते हैं तो उससे दूसरे एग्स में फ़र्क पड़े। तो ये तैयारी मैंने करी है एग्स लगाने से पहले, और टेम्परेचर भी ठीक है, अभी कटआउट्स आप देख रहे हैं प्रॉपर लग रहे हैं, और साथ ही ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर है जैसे मैंने आपको बताया 50 to 60 के बीच में, और अभी करंट पर 54 यहाँ पे शो हो रही है, और पानी भी इसका जो लेवल है वाटर का वो भी ठीक ठाक है, कटोरा लगभग पूरा भरा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम एग्स लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्स दिखा देता हूँ।
तो ये वो एग्स हैं जो कि मैं अपने इनक्यूबेटर में लगाने वाला हूँ। इस साइड में जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारे एग्स हैं ये अपनी नॉर्मल मुर्गियों से हैं, और बाकी जो ये 6 एग्स हैं ये हमारी जो असील मुर्गी है उसमें से है। और असील के में मेरे को थोड़ी सी जो हैचबिलिटी की प्रोबेबिलिटी जो मेरे को लग रही है वो थोड़ी सी कम, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो कि अंडे जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा पुराने हैं, बजाय इसके कि जो हमारे इधर वाले एग्स हैं ये आज से ठीक 9 दिन के गैप में जो एग्स हैं वो कलेक्ट हो रखे हैं। और ये जो है पिछले 29 जनवरी का पहला अंडा है जो कि हमारी असील ने दिया था, और इसमें जो 13 तारीख का है वो लास्ट अंडा है। तो 6 अंडे हमारे वो हो गए, और उसके अलावा जो 17 अंडे हैं वो हमारे नॉर्मल ये मुर्गियों के हो गए। हालांकि जैसे कि मैंने किट ली थी नरेश जी से, तो उनका ये कहना था कि इनक्यूबेटर के साथ साथ आपने एग्स को भी सैनिटाइज़ करना है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश करी है कि एग्स को सैनिटाइज़ ना करूं, क्योंकि जैसे मुर्गियां अंडों से चूज़े निकालती हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें बैठती हैं। तो इस करके मैंने कोशिश करी है कि एग्स के साथ मैं कोई छेड़खानी ना करूं। तो बाकी देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि उनका ये कहना था कि बेस्ट रिज़ल्ट जो है कि यदि आप सैनिटाइज़ करते हो तो जो भी बैक्टीरिया है वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, और हैचबिलिटी की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं अपने रिजल्ट्स देखना चाहूँगा कि एग्स को बिना सैनिटाइज करके हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये टोटल 23 एग मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ, और मैं ये लगा करके फिर आपको रोटेशन का जो प्रोसीजर है वो भी आपको एक बार दिखा दूँगा। तो भाइयों, जैसे अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसमें एग्स जो हैं वो लगा दिए हैं, और अभी जैसे मैंने कवर इसका यानी जो ढक्कन है वो खोला, तो टेम्परेचर भी इसका काफ़ी नीचे चला गया, और साथ ही जो इसकी ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी 34 की हो गई है। तो बात करेंगे यदि इस जाली के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जाली क्या काम करेगी, तो अभी जैसे आप देख सकते हो कि जो इसमें हमने एग्स लगाए हैं 23 एग्स टोटल, तो किसी में भी जो लिखा वाला साइड है वो ऊपर की तरफ नहीं है। तो जब हम इसको घुमाएंगे, क्योंकि इसको हमें दिन में कम से कम 3 से 4 बार घुमाने होते हैं, तो जब हम उसको घुमाएंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा कि हमने जैसे ये एग घुमाया तो इसको हम डेट वाला साइड ऊपर कर देंगे, तो इससे हमें ध्यान रहेगा कि हाँ कि इस समय हमारे एग्स ऐसे हैं। तो कल मॉर्निंग में जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो डेट्स वाली साइड ऊपर कर दूँगा, फिर दोपहर में जब इसको दोबारा से रोटेट करूँगा तो फिर उसके बाद डेट वाला साइड दोबारा नीचे। तो इस तरह से एज अ मार्किंग मेरे को प्रॉपर रहेगा कि हर एक एग अच्छी रीति से रोटेट हो चुका है। तो इसको भी मैं ज़्यादा देर खुला नहीं रखूँगा, क्योंकि टेम्परेचर में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो इसको फ़िलहाल के लिए मैं कवर कर देता हूँ, और देखते हैं कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर किस स्थिति से बढ़ने लग जाएगा दोबारा। तो पानी भी आप देख सकते हो कि कटोरा लगभग पूरा ऊपर से 1 सेंटीमीटर छोड़ करके बाकी पूरा है, और बाकी एग्स आपने देख ही लिए हैं, और ह्यूमिडिटी भी जैसे क्योंकि अभी ढक्कन खुला हुआ है तो धीरे धीरे करके ये नीचे होते जा रहा है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इसको, और इसको हम कवर कर देते हैं दोबारा से, ताकि अपने दोबारा से टेम्परेचर मेंटेन कर सके और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन कर सके। इसको अभी हमने कवर कर दिया है दोबारा से, आप देख सकते हो एग्स इसमें लगे हुए हैं, और जो टेम्परेचर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि काफ़ी नीचे चला गया था इसका टेम्परेचर, क्योंकि जो कि 37.5 से 37.7 के बीच में होना चाहिए वो भी लगभग 10 डिग्री नीचे है, 10 भी के 11 डिग्री अभी हम मान के चले कि वो नीचे है। बाकी जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी अभी हल्का सा ज़रूर बढ़ा है, क्योंकि अभी 33 था जब हमने ओपन कर रखा था, अब 34 हो गया है। तो धीरे धीरे करके इसका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी बढ़ेगा, और जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी भी आप देख सकते हो कि अभी फिर से ये 1% और बढ़ा है, और 34 से 35 हो गया। तो इस रीति से ये इसका जो ह्यूमिडिटी है वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा, और हम कोशिश ये करेंगे कि इसको 50 से 55 के बीच में मेंटेन करके रखें। वैसे तो 60 तक भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 50 से 55 के बीच में ही
इसका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो रहे, और जो टेम्परेचर है वो, तो क्योंकि नरेश जी ने इसकी अच्छी तरीके से सेटिंग करके दे रखी है तो ऑटोमेटिक कट ऑफ ले रहा है वो, जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हाई जा रहा है और नीचे जाने पे जो बल्ब है वो ऑन हो जा रहे हैं। तो देखते हैं इसको कि 2 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है वो कितना जाता है और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो भी कितना जाता है। तो 2 मिनट के बाद के रिज़ल्ट हम देखेंगे। पूरे 2 मिनट हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हो कि ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 45% हो चुका है और टेम्परेचर जो है वो नीचे ह्यूमिडिटी मीटर में 35 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। हालांकि जो थर्मोस्टेट है, क्योंकि अंडे के आसपास का, क्योंकि जो ये थर्मल जो इसका कैच कर रहा है तो उसके हिसाब से जो टेम्परेचर है वो अभी 33.8 है और अभी लगातार वो बढ़ भी रहा है। तो जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37.7 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें कट ऑफ लग जाएगा और जो बल्ब्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे और ह्यूमिडिटी लेवल भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो थोड़ी देर हम और वेट करेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट के बाद देखते हैं कि टेम्परेचर कितना पहुंचता है और ह्यूमिडिटी लेवल कितना पहुंचता है। और अभी आप देख सकते हो, हालांकि 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है क्योंकि अभी अंडे रखे थे हमने, तो टेम्परेचर यहाँ तक पहुँचने में, और ये भी आप देख सकते हो कि 37.7 पे जैसे ही हुआ तो इसका कट ऑफ लग गया है। और क्योंकि एग्स अभी अंदर रखे हैं वो टेम्परेचर पकड़ने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, और जो ह्यूमिडिटी है वो अभी करंट में 50% पहुंच चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट आ सके, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मैं। हालांकि सब कुछ नेचर के ऊपर डिपेंड है कि कितनी हैचेबिलिटी परसेंट इसमें से निकलता है। तो फिलहाल अभी का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर आ चुका है क्योंकि 37.7 पर आकर के कट ऑफ लग चुका था और फिर दोबारा से जैसे ही नीचे गया तो दोबारा से लाइट्स हमारी ऑन हो गई है। और ह्यूमिडिटी जैसे कि अभी आपने देखा इसमें 50% ह्यूमिडिटी है, तो मैं अपनी तरफ से ये भी कोशिश करूँगा कि जब भी हम एग्स को रोटेट करेंगे तो उस समय ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, क्योंकि जब भी हम उसका कवर यानी ढक्कन जब भी हम खोलेंगे तो क्योंकि एकदम से ह्यूमिडिटी लेवल नीचे गिरता है, तो हम कोशिश करेंगे कि बॉक्स खोलने से पहले का जो ह्यूमिडिटी है वो हम मेजर कर सके और उसके बाद हम इसको ओपन करके जो एग्स हैं वो हम रोटेट करेंगे। कोशिश हम करेंगे कि दिन में 3 से 4 बार हम एग्स को रोटेट कर सके और लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स हमारे आते हैं। साथ ही हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जब भी हमने इस बॉक्स को खोलना है तो उससे पहले प्रॉपर अपने हाथों को सैनिटाइज करके उसके बाद इस बॉक्स को खोल करके और जो एग्स है उसको हम रोटेट करेंगे। तो इन चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखें क्योंकि जब भी हम एग्स लगाते हैं, वैसे तो यदि मुर्गी बैठती है तो हमें पता है कि वो इधर उधर घूम करके भी दोबारा से बैठती है, उन तो उस केस में कुछ भी ऐसी प्रिकॉशंस नहीं ली जाती है। लेकिन जब हम अपनी तरफ से अगर मशीन में निकाल रहे हैं, अपने इनक्यूबेटर में अगर एग्स निकाल रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको पूरे प्रिकॉशन के साथ उसकी देख रेख करें और सब कुछ मेंटेन कर सकें। लेकिन फिर भी देखते हैं कि कितने परसेंट ये हमारा जो फर्स्ट हैच है ये निकलेगा, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम हैचिंग है और फर्स्ट टाइम इनक्यूबेटर मैंने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे रिज़ल्ट के साथ हम आएंगे 21 दिन के बाद। वैसे कोशिश मैं ये करूँगा कि बीच में भी कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको देता रहूँ, क्योंकि 7वें दिन हम इसका जो कैंडलिंग है वो करेंगे और यदि कोई भी ऐसा एग होता है जो कि फर्टाइल नहीं है तो उसको हम हटा देंगे। तो फिलहाल अभी हमने 23 एग हमने लगा रखे हैं और पहला दिन है, तो देखते हैं कि आगे चलते चलते क्या क्या इसमें रिजल्ट्स आते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो केवल आज के लिए इतना ही है और आप सभी से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को और भी ज़्यादा लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए भी अपने कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं आपके साथ ग्रुप का जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक, वो आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप भी हमारे इस छोटे से ग्रुप में ज्वाइन हो सको। क्योंकि यूट्यूब में मैं बार बार नहीं आ पाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में यदि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता हूँ, तो कोई ना कोई जो भी जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो वो वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस करके भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और साथ ही फिर दोबारा से आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। और लगभग 7,500 प्लस जो है सब्सक्राइबर्स अभी हमारे चैनल में हैं। तो इसी तरह से आप अपना प्रेम हमारे साथ बनाए रखिएगा, और इसी प्रकार से जो वीडियोस है या कोई भी अपडेट्स है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। फिर दोबारा से जो ये फर्स्ट हैचिंग हमने लगाई है, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे रिज़ल्ट के साथ हम सामने आएंगे। और फिर दोबारा से आप सभी का तहे तहे दिल से धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को इतना पसंद करने के लिए। धन्यवाद।